Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Hamid Ali and I am lecturer at Kingsway Institute Shergarh Mardan. आज हम आपके जो फार्मास्यूटिक्स का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू एसेप्टिक डिस्पेंसिंग एंड टीपीएन डिस्पेंसिंग. सबसे पहले जरा ओवरव्यू आपको देना चलूँ कि एसेप्टिक डिस्पेंसिंग क्या होती है, टीपीएन क्या होता है, डिस्पेंसिंग क्या होती है, जनरल टर्म्स आपको बताता चलूँ. तो एसेप्टिक का क्या मतलब होता है? एसेप्टिक का मतलब हर एक चीज जो कि जरासीम से पाक होती है उसे एसेप्टिक कहते हैं. मतलब आप ऐसा एक अमल कर रहे हैं जिससे आप एहतियात कर रहे हैं कि वो जरासीम एक चीज में ना जाए, तो उसे एसेप्टिक कहते हैं. डिस्पेंसिंग का मतलब होता है आप कोई चीज बना रहे हैं, कोई दवाई बना रहे हैं, आप किसी कोई दवाई को पैक कर रहे हैं, पैकेजिंग में डाल रहे हैं या पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसे डिस्पेंसिंग कहते हैं. तो एसेप्टिक डिस्पेंसिंग का मतलब वो सारे प्रोसीजर्स जो कि सफाई का ख्याल रखते हैं ताकि वो जरासीम उस डिस्पेंसिंग के दौरान जरासीम से पाक हो, जरासीम उस डिस्पेंसिंग के जिससे आप दवाई बना रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सफाई का ख्याल रखना कि जरासीम उस दवाई में अंदर ना जाए, इसे एसेप्टिक डिस्पेंसिंग कहते हैं. और टीपीएन का मतलब होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. मतलब न्यूट्रिशन का मतलब होता है खुराक, पेरेंटल का मतलब होता है जो कि आपके रग में, जो कि आपके वेन्स में जो खुराक डालती है उसे पेरेंटल कहते हैं. जो कि इस तरह इंजेक्शन होता है जो कि आपके रग में लगता है उसे पेरेंटल कहते हैं. मतलब पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप खुराक देते हैं एक इंसान को रग के थ्रू, माने जिसमें आपके उसके वेन्स में डालते हैं. अगर वो एक इंसान है, वो खाना नहीं खा सकता, कोई मसला है, बीमार है, तो या उसके मैदे में कोई मसला है या वो कोमा में है, तो उसे पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है ताकि उसे जिंदा रखा जाता है. आज के जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ डिफिनेशंस पढ़ेंगे कि एसेप्टिक डिस्पेंसिंग क्या होती है, टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में हम एसेप्टिक डिस्पेंसिंग यूज कर सकते हैं, अच्छा टेक्निक्स क्या होती है, किस तरह हम मेक श्योर कर सकते हैं कि जो दवाई आपने बनाई है वो एसेप्टिक है, कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे जिससे हम उसे दवाइयों से बचाएंगे, और आखिर में हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. डिफिनेशन, एसेप्टिक डिस्पेंसिंग क्या होता है? प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ स्टेराइल मेडिकल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एसेप्टिक डिस्पेंसिंग. इसमें क्या होता है, आप प्रिपरेशन बनाते हैं और सप्लाई मतलब किसी को दवाई देते हैं ऐसे कंडीशन में कि वो स्टेराइल होता है, मतलब साफ होता है, इसे कहते हैं एसेप्टिक डिस्पेंसिंग, मतलब जरासीम से पाक होता है. प्रिपरेशन इज कैरिड आउट बाय ट्रेंड फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. इसमें क्या होता है कि एक फार्मासिस्ट या टेक्नीशियन जो होता है वो ख्याल रखता है एक कंट्रोल एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि कंट्रोल आपके कंट्रोल में होता है, आप ऐसे से रखते हैं ताकि उसमें जरासीम मौजूद ना हो. बिफोर बी डिस्पेंस इन द फॉर्म रेडी फॉर यूज विदाउट फर्दर मैनिपुलेशन, मतलब एक दवाई बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंजेक्शन, रेडीमेड इंजेक्शन बना होता है, आप ख्याल रखते हैं कि उस इंजेक्शन में बाहर इंजेक्शन भी साफ हो, उसका कैप भी साफ हो, उसका जो नीडल होता है उसको भी साफ हो, उसके अंदर जो दवाई है वो भी साफ हो, तो आप साफ दवाई बनाते हैं और फिर पेशेंट को डायरेक्ट देते हैं, वो और मैनिपुलेशन उस दवाई के साथ और कुछ नहीं करता, बस सिर्फ उसे लगाता है, इसे कहते हैं एसेप्टिक डिस्पेंसिंग. हमें टाइप्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ों में प्रिपरेशन होती है जिसमें हमें एसेप्टिक डिस्पेंसिंग की जरूरत होती है? जो हम ओरली चीज़ देते हैं अगर उसमें कोई जरासीम आ भी जाए तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके रग में लगती हैं, जो कि आपके खून में डायरेक्ट शामिल होती हैं, उसमें हमें एसेप्टिक डिस्पेंसिंग की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होती है, पेरेंटल का मतलब होता है जो आपके रग में लगती है उसे पेरेंटल कहते हैं, जो आप इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं उसको साफ होना ज़रूरी होता है. प्रीफिल्ड सिरिंजेस, जो सिरिंजेस के अंदर जो पहले से दवाई मौजूद होती है, आपको ख्याल रखना होगा कि वो सिरिंज भी साफ होती है, उसके अंदर जो दवाई होती है वो भी एसेप्टिक हो. आईवी इन्फ्यूजन होती है जो कि आपके रग में खून में लगती है. एपिड्यूरल इन्फ्यूजन जो होती हैं जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में लगते हैं, और अदर स्टेराइल प्रिपरेशन आई ड्रॉप जो होती हैं उसे भी आपको एसेप्टिक रखा जाता है, क्योंकि आँख एक नाजुक चीज़ होती है, इसलिए उसे एसेप्टिक रखना बहुत ज़रूरी होता है. अच्छा टेक्निक्स क्या है एसेप्टिक, आप किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं कि एक चीज़ आपने बनाई वो एसेप्टिक है? तो सबसे पहले हमें इनक्लोज एरिया चाहिए. अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसका ऐसा हो कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से कट हो, मतलब कोई गर्दो गुबार नहीं आ रहा हो, कोई इस तरह मतलब ऐसा हवा के थ्रू, माने फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्ट के थ्रू, माने कोई उसमें सुराख हो, उस पर कोई हवा में एयर में कोई जरासीम पार्टिकल्स आ रहे हैं, कोई डस्ट आ रहा है, तो इनक्लोज एरिया सबसे पहले ज़रूरी है.
ताकि क्या हो, एयरबोर्न पार्टिकल जो है वो बाहर से अंदर ना आ सके। अच्छा, एयरबोर्न पार्टिकल जो बाहर से पार्टिकल्स आते हैं, इसके लिए हम जो आप जो कमरे में डिस्पेंसिंग करें उसमें आप हीफा फिल्टर लगाते हैं। हीफा फिल्टर ये होता है कि ये एयर को तो पास करता है, लेकिन अगर एयर में कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई जरासीम है, तो उसको वो पास नहीं होने देता। तो कमरा जो है वो जरासीम से पाक होता है, जरासीम से, डस्ट से, हर चीज से पाक होता है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप, फेस एंड हेयर मास्क, आप फेस मास्क लगाते हैं ताकि आप अगर आप छींक रहे हैं, आप कफ कर रहे हैं, तो इसमें आपको बचाता है। अच्छा, जो आप जिस इक्विपमेंट में आप बना रहे हैं, कोई आप मशीन है उसमें आप फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग कर रहे हैं, तो वो मशीन भी साफ होनी चाहिए। इसके अलावा हमें हैंड ग्लव्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ गंदे हैं, आप मशीन को लगा रहे हैं, दवाई को हाथ लगा रहे हैं, तो उसे भी साफ होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास एसेप्टिक डिस्पेंसिंग, कि किस तरह हम कर सकते हैं, कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब हम पढ़ते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के, टीपीएन क्या होता है। टीपीएन इज अ मेथड ऑफ फीडिंग दैट बाईपासेस द जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, वो बीमार है, कोमा में है, वो खुराक नहीं ले सकता, तो आप उसको बाईपास करते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू। किस तरह दिया जाता है, फ्लूइड्स आर गिवन इन अ वेन, ये आपके रग में वेन में डाली जाती है, टू प्रोवाइड मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन कैन नॉट शुड नॉट रिसीव फीडिंग और फ्लूइड्स बाय माउथ। मतलब वो मुंह से खुराक नहीं ले सकता, बीमार है, कोई मसला है। दे मे आल्सो हैव द टाइप ऑफ फीडिंग व्हेन दे कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू द जीआई ट्रैक फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब एक इंसान है, वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, लेकिन वो फॉर एग्जाम्पल उसके मैदे में कोई मसला आ गया, और वो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइटामिन जो है उसका मैदा नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, तो वो जो वाइटामिन है वो आप उसे टीपीएन में, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में देंगे, कंटिन्यूसली उसको मिलता जाएगा। अच्छा, टीपीएन क्या क्या चीज़ें डालता है, उसमें फ्लूइड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, अमीनो एसिड, वाइटामिन, मिनरल्स, लिपिड्स होते हैं, जो जो चीज़ें आप खुराक में लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको उसके रग में देनी होगी उसे जिंदा रखने के लिए। अच्छा, इसका फायदा क्या है, कि ये बेटर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन देता है रेगुलर आईवी फीड। रेगुलर आईवी फीड मतलब आप 2 घंटे बाद एक आईवी उसको खुराक दे रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूसली दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है, अगर कंटिन्यूसली उसको मिलता है टीपीएन के थ्रू। वो टीपीएन जो है मैंने आपको बताया, कंटिन्यूसली उसको मिलता है। अच्छा, टीपीएन किस तरह देते हैं, एन आईवी लाइन जो है ये पास की जाती है वेन में, या हाथ में, या फुट के थ्रू जो वेन होता है उसमें डाली जाती है। इसके अलावा अम्बेलिकल, जो बेली बटन होता है, अम्बेलिकल जो जो पेट के अंदर एक वेन होता है जिसे अम्बेलिकल वेन कहते हैं, वो भी यूज किया जाता है। कभी कभार जो होता है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, नुकसान क्या होते हैं, अगर आप टीपीएन ले रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभार जो है आप खुराक लेते हैं तो वो बॉडी खुद नॉर्मल करता है, लेकिन अगर एक आदमी कोई उसे कोई मसला है, रिस्क है, तो उसमें क्या है, अगर वो पे क्या होगा, एक्सेस एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर्स के, मतलब आप उसे हो सकता है क्योंकि उसके लेवल से उसको जरूरत कम शुगर की, आपने उसके ज्यादा शुगर दी, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा जो है क्या हो जाता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल जिस जगह पर आप उसे मतलब डेली हर 24 घंटे बाद टीपीएन दे रहे हैं, तो वो जिस जगह पर देख रहे हैं, हाथ में या पाँव में, तो वहां पर क्लॉट बन सकता है, जख्म हो सकता है, सेप्सिस भी हो सकता है। सेप्सिस का मतलब है कि उस जगह को जरासीम, फॉर एग्जाम्पल आप जिस नीडल से दे रहे हैं उस जगह, वो नीडल गंदी हो गई, तो वो आपने उस जगह रग में डाली, तो वो जगह जो है वो सेप्सिस हो जाती है, वहाँ पर जरासीम आ जाते हैं, मसला हो जाता है। और जो लॉन्ग टर्म आप जो टीपीएन डालेंगे तो लिवर में भी, लिवर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अच्छा, कब आप टीपीएन देंगे, सबसे पहले जो है पेशेंट्स हु डू नॉट हैव फंक्शनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, उसका जीआई ट्रैक्ट जो है वो खुराक जीआई ट्रैक्ट से नहीं ले सकता। इसके अलावा कौन कौन सी अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी, बोल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसके बोवल में, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई रुकावट होगी, वो उसके मसला हो गया। अट्टा, इसके अलावा जो है डायरियल डायरियल पेशेंट्स हो गए, कोई उस तरह और चीज़ें, शॉर्ट बोवल सिंड्रोम ड्यू टू सर्जरी, आपने सर्जरी की, आपने जीआई ट्रैक की, तो उसमें आपको चाहिए कि हफ्ते से 10 दिन 20 दिन तक आप कुछ ना खाएं, ताकि आपका मैदा वापस वापस जो है जीआई ट्रैक जो है वापस वो हील हो जाए, तो उस टाइम तक आप टीपीएन देते हैं ताकि वो बाईपास हो जाए। ये है आपकी सारी कंडीशन जिसमें आप टीपीएन इस्तेमाल करते हैं, आपने एब्डोमिनल सर्जरी की, आपने कोई कीमोथेरेपी की, आपको इंटेस्टाइनल इस्कीमिया है, आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इस तरह प्रोलॉन्ग इलियस है, इसके अलावा ये और भी हैं, इस तरह डायरिया हो गए,
प्री मेच्योर बर्थ हो गए, इस तरह परसिस्टेंट काइली लीक, ये सारी चीज़ें हैं इसमें आप टीपीएन यूज़ करते हैं। ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।